हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम टॉप 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले भी मैंने टॉप 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को इस सीरीज़ के पार्ट फर्स्ट में लिया था, और यह सीरीज़ का पार्ट सेकेंड है जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स विशेषकर यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएल एवं यूपी पीसीएस एलटी ग्रेड टीचर एग्ज़ाम, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस जीके के रहेंगे, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और अगर आपने हमारे चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल के माध्यम से अपलोड की जाएंगी फ्यूचर में, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के टॉप 50 प्रश्नों की बात करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में, और प्रेजेंट में जो इसके गवर्नर हैं वो हैं उर्जित पटेल जी। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। और लोकसभा के जो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं वो हैं श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, और उपाध्यक्ष हैं एम थंबा दुरई जी। हमारा अगला प्रश्न तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का गठन कब हुआ? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 24 अक्टूबर 1945 में। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 26 जनवरी 1930 को लाहौर में। हमारा जो अगला प्रश्न है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा अमेरिका से। और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति अर्थात ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर भी कहा जाता है, और इन्होंने भारत के हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1966 और 1967 के बीच में, उसमें इनका बहुत ही अहम रोल था, और इनको जो है नोबेल का पीस प्राइज भी प्रदान किया गया है। भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। लेकिन अगर बात की जाए कि भारत के जो ग्रीन हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो वो हैं एमएस स्वामीनाथन। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो जो इसका आंसर होगा वो है पलाश, और जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और इसके जो फ्लावर का कलर होता है वो गहरा नारंगी व लाल होता है, इसलिए इसे जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो जो इसका आंसर होगा वो है 500, और अगर बात की जाए न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं तो वो है 60, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है, गोवा में भी 40 है, जम्मू कश्मीर में 36 है, तो ये अपवाद हैं, लेकिन मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 होने चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा श्रीमती एनी बेसेंट, और इन्होंने 33वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कि हुआ था 1917 में कलकत्ता में। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारती कौन थी जिन्होंने अध्यक्षता की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो वो होंगी सरोजिनी नायडू, और इन्होंने 41वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कि हुआ था 1935 कानपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये है, इसका जो आंसर होगा वो होगा Washington DC, जो कि USA की कैपिटल है, और इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं
क्रिस्टियाना लेगार्ड, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी आर दास। हमारा अगला प्रश्न, किस सल्तनत शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, और ये जो है एक कृषि विभाग था। अगला प्रश्न हमारा है, रिक्टर पैमाने का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो जो इसका आंसर है वो है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। अगला 15वां प्रश्न, झीलों की वाटिका के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो जो इसका आंसर है वो है फिनलैंड को, और फिनलैंड उत्तरी यूरोप का एक देश है और यहाँ पर हजारों झीलें हैं, हजारों झीलें, इसलिए इसको हजारों झीलों का देश या झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न 16वां, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा किस गैस की है? तो जो इसका आंसर होगा वो है नाइट्रोजन, और इसकी जो मात्रा है वो 78% के लगभग है। और बात की जाए ऑक्सीजन की तो ये वायुमंडल में 21% है लगभग, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और बाकी अदर गैसेज हैं। हमारा अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलियम नामक फंगस अर्थात कवक से प्राप्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा चिदंबरा, और ये हिंदी में लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न 19वां, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो जो इसका आंसर होगा वो है उर्वरक उत्पादन से। अगला प्रश्न, भारत का 25वां राज्य कौन सा है, कौन सा था? तो इसका जो आंसर होगा वो है गोवा, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 मई 1987 को। अगला प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो जो इसका आंसर है वो है अरावली पर्वत श्रेणी, और अरावली का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में अवस्थित है, और अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात से लेके दिल्ली तक फैला हुआ है, लगभग 612 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन जो 80% भाग है वो राजस्थान में अवस्थित है। और माउंट आबू में एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? जो इसका आंसर होगा वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ठीक है। अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई थी? तो जो इसका आंसर होगा वो है पाली भाषा में, और त्रिपिटक कौन कौन से हैं वो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा जो 24वां प्रश्न है वो है, वॉन्डी वॉश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो जो इसका आंसर होगा वो है सर आयर कूट ने, और जो ये युद्ध हुआ था वो हुआ था 1760 में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया था? तो जो इसका आंसर होगा वो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1978 में, लेकिन 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कब किया गया था? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो जो इसका आंसर होगा वो है 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? तो जो इसका ब्रिक्स का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2009 में, और जब इसका गठन हुआ तो इसमें 4 कंट्रीज थी, कौन कौन सी? वो थी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, लेकिन 2010 में घोषणा की गई कि साउथ अफ्रीका को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, और फाइनली 2011 का जो सम्मेलन हुआ सान्या चाइना में, उसमें जो है साउथ अफ्रीका ने भाग लिया था। और एक करंट न्यूज़ है कि जो 10वीं बैठक होगी ब्रिक्स की वो होगी 25 से 27 जुलाई 2018 को जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, तो आप इसे ध्यान रखिएगा।
हमारा अगला प्रश्न, तंबाकू का मोजैक रोग किसके कारण होता है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा वायरस के कारण, और इसका क्या नाम है? टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन हमारे शरीर के कोलन में सिंथेसाइज अर्थात संश्लेषित होता है? तो ये है विटामिन के। ये हमारे बड़ी आंत के कोलन पार्ट में कुछ जीवाणु द्वारा ये प्रोड्यूस होता है, और हरी पत्तियों में भी विटामिन के काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है वो बहुत देरी से होती है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला हमारा तीसवां प्रश्न है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। तो अपकेंद्रीय बल क्या होता है? यह वह बल है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और इसी सिद्धांत पे जो है दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो जो इसका आंसर होगा वो ठोसों में है, इसके बाद द्रव, और फाइनली गैस, सबसे कम गैस में। अगला प्रश्न हमारा है, ओलंपिक में भारत के लिए सर्वप्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा अभिनव बिंद्रा ने, और इन्होंने बीजिंग 2018 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता था। 33वां प्रश्न हमारा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो जो ये है वो है शिमला में, और ये जो है कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न हमारा, कर्नाटक राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो है श्री वाजू भाई वाला जी, और यहाँ के जो अभी चुनाव हुआ था और जो मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं HD कुमारा स्वामी जी, ये जनता दल सेक्युलर पार्टी से हैं, और कर्नाटक में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 224 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? तो जो इसका आंसर है वो है 57.2%। अगला प्रश्न, वर्ष 2017 का शांति पीस का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये है ICAN, जो इसका पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल कंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। इसको जो है परमाणु निशस्त्रीकरण हेतु अभियान चलाने के लिए इसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, और जो इसकी स्थापना हुई थी ICAN की वो 2007 में हुई थी, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? वो हैं खड्ग प्रसाद शर्मा ओली, KP ओली। अगला प्रश्न, नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो जो इसका आंसर होगा वो है बुलंदशहर, जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। फिर हमारा 39वां प्रश्न है, साइबर अपील अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये करता है केंद्र सरकार इसका गठन करता है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो जो इसका आंसर है वो है जैक डोरसे, और जो ट्विटर का हेडक्वार्टर है वो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में। अगला प्रश्न हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? तो जो इसका आंसर होगा वो है अप्रैल 1973 को, और ये जो है बाघों के संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, विश्व गौरैया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो इसका आंसर होगा वो 20 मार्च को होगा, और इस बार जो 2018 की थीम है वो है आई लव स्पैरो। ठीक है, इस बार की जो थीम है विश्व गौरैया दिवस की वो है आई लव स्पैरो 2018 की है ये। अगला प्रश्न हमारा है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? जो इसका आंसर होगा वो है नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न, सारस क्या है? तो जो इसका आंसर है यह एक स्वदेशी हल्का परिवहन विमान है। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं
HL दत्तू जी, ठीक है। अगला प्रश्न, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो है VD सावरकर, अर्थात विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो जो इसका आंसर होगा वो 24 है, और 2013 से पहले 21 थे, लेकिन 2013 में 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन हुआ, वो कौन कौन से थे? त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। इसे याद कर सकते हैं त्रिमेम से, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, ठीक है। इनका जो गठन हुआ था वो 2013 में हुआ। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जो इसका आंसर होगा वो है डॉक्टर के सिवान जी। और हमारा फाइनली लास्ट 50वां प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो जो इसका आंसर है वो है डाल्टन। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है अविभाज्य होते हैं, ठीक है, लेकिन अब सिद्ध हो चुका है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है बल्कि विभाज्य है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स यहीं तक, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।